Hello everyone, welcome to this lecture series on applied fluid mechanics. This is part 1 of lecture 3 on dimensional and model analysis. I am Itar Chauhan, head of civil engineering department, Lakshmi Institute of Technology, Sarigam. Welcome you all. जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिया था कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है और बाकी के मेथड्स कौन से हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. पहला मेथड था हमारा रेलिक्स मेथड. रेलिक्स मेथड के अंदर लिमिटेशंस क्या थी वो हमने देख ली थी. फिर रेलिक्स मेथड का मॉडिफिकेशन मतलब उसका सोल्यूशन क्या था वो था बकिंगम पाई थ्योरम. तो हमने बकिंगम पाई थ्योरम क्या था वो देख लिया था हमने. बकिंगम पाई थ्योरम किस बेसिस पर यूज़ होता है, डायमेंशनल होमोजेनिटी वो भी हमने देख लिया था और इन सब केसेस के ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए थे. आज का हमारा टॉपिक है सिमिलिट्यूड एंड टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन केस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बिकॉज पहले के जो हमने पार्ट्स देखे थे उनका एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं इन केस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ या रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, तो वो हमें आज देखना है. ठीक है, अ मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल सिस्टम which is used to predict the behavior of the system in some desired respect. इसका मतलब ये है कि मॉडल एक रिप्रेजेंटेशन है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसका. बट इन केस ऑफ लेबोरेटरी इसका मतलब ये है कि सपोज़ कोई एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है बाहर, ठीक है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, उसे हम वहाँ पर तो सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज उसका स्केल बहुत बड़ा है. ठीक है, उसका एरिया बहुत बड़ा है. ठीक है, और उतने बड़े स्केल के ऊपर हम लोग बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं कि वो सेम प्रॉब्लम को हम लैब के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग सम स्मॉल स्केल. और वो जो स्मॉल स्केल का मॉडल होता है उसे हम बोलते हैं मॉडल. ठीक है, मतलब स्मॉल स्केल का रिप्रेजेंटेशन जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का हम कर रहे हैं इन केस ऑफ लेबोरेटरी उसे बोलेंगे हम मॉडल. ठीक है, अब मॉडल का एडवांटेज क्या है कि मॉडल हम लैब में बार बार टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल्स. मतलब जो प्रोसेस के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उनमें से कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे प्रोसेस को इफेक्ट कर रहे हैं या जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस में चेंज आ रहा है. तो मॉडल का फ़ायदा क्या है कि जब आप लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है. फिर वो वेरिएबल्स को लेके हम वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकते हैं. ठीक है, द फिजिकल सिस्टम फॉर विच द प्रेडिक्शंस आर टू बी मेड इज कॉल्ड प्रोटोटाइप. अब जिसके लिए हमें मॉडल क्रिएट करना है, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, जो सिस्टम है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे प्रोटोटाइप, जो आपका रियल वर्ल्ड का एक सॉल्यूशन होगा या एक ऑब्जेक्ट जो आप फॉर्म करना चाहते हैं कोई भी एक प्रॉब्लम के लिए. ठीक है, उसे हम बोलेंगे प्रोटोटाइप. जो रियल वर्ल्ड का है उसे बोलेंगे हम प्रोटोटाइप और जो लैब के अंदर आप स्मॉल स्केल पर रिप्रेजेंट करें उसे बोलेंगे हम मॉडल. ठीक है, यूजुअली अ मॉडल इज स्मॉलर देन द प्रोटोटाइप सो दैट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स स्टडीज़ कैन बी कंडक्टेड. इसका मतलब ये है कि मॉडल जो होता है वो हमेशा छोटे साइज़ में होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटोटाइप. वो छोटे साइज़ में इसलिए होता है ताकि आप इजीली उसे लैब में सॉल्व कर सको या रिप्रेजेंट कर सको या इजीली कंडक्ट कर सको. ठीक है, अगर वो बहुत बड़े स्केल पे होगा तो बार बार वो स्केल पे काम करना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, कॉस्टली होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा. ठीक है, पर कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपका मॉडल एज़ कम्पेयर टू प्रोटोटाइप बड़ा भी हो सकता है. ठीक है, वो देख लेते हैं. इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट. जैसा मैंने आपको बताया कि कॉस्टली कम हो जाएगा. हाउएवर इन सर्टेन सिचुएशंस मॉडल आर लार्जर देन द प्रोटोटाइप. फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ब्लड सेल्स हुज साइज आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर्स. मतलब कुछ केसेस में मॉडल का साइज बड़ा भी हो सकता है. वो केसेस कौन से हैं जो बहुत स्मॉल स्केल के प्रॉब्लम्स हैं रियल वर्ल्ड के, जैसे ब्लड फ्लो थ्रू आवर वेन्स. ठीक है, उसे उतना स्मॉल स्केल पे लैब में एक्सपेरिमेंट करना और बार बार टेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. इसके लिए उस केस में मॉडल शायद बड़ा भी हो आपके प्रोटोटाइप से. ठीक है, पर ज़रूरी नहीं कि ऐसा हमेशा ही आपका प्रोटोटाइप छोटा या बड़ा हो. ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग. सिमिलिट्यूड इज़ द इंडिकेशन of a known relationship between a model and prototype. In other words, the model test must yield data that can be scaled to obtain the similar parameters for the prototype. अब similitude का मतलब ये है कि हमने जो model बनाया है और उससे जो भी हमें test result मिले वो test results ऐसे होने चाहिए जो आपके
प्रोटोटाइप को सॉल्व करने के लिए काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने मॉडल के टेस्ट डेटा आपने फाइनली फाइंड आउट किए है और वो डेटा ऐसे हो जो आप रियल वर्ल्ड के प्रोटोटाइप में अप्लाई नहीं कर सके। मतलब वैलिडेशन ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम प्रडिक्शन कर रहे हैं या जो भी हम सिमुलेशन कर रहे हैं बाई यूजिंग मॉडल, ठीक है, वो सिमुलेशन रियल वर्ल्ड के अंदर वैलिड होना ज़रूरी है, और उस चीज़ को बोलते हैं सिमिलिट्यूड, अगर मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में सिमिलैरिटी आ रही है तो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने जो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, पर वो डेटा आपको एक्चुअली रियल वर्ल्ड में काम आना ज़रूरी है। सिमिलिट्यूड एंड टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलिट्यूड इज डिफाइंड एज द सिमिलैरिटी बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप बिहेवियर। सिमिलिट्यूड का मतलब ये है कि मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच का बिहेवियर जो है, दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है वो सेम होना चाहिए इन एवरी रिस्पेक्ट, मतलब हर रिस्पेक्ट में, ठीक है, और रिस्पेक्ट कौन से वो हम आगे देखेंगे। विच मीन्स दैट द मॉडल एंड प्रोटोटाइप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज और मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर कम्प्लीटली सिमिलर। मतलब मॉडल और प्रोटोटाइप या तो दोनों एकदम सिमिलर है या तो उन दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, तो प्रॉपर्टीज़ है हमारी तीन। फर्स्ट है आपका ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, दूसरी है आपकी काइनेमेटिक सिमिलैरिटी और थर्ड वन है डायनामिक सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर ये तीनों सिमिलैरिटी होगी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप, तो आप बोल सकते हैं कि जो भी मॉडल के डेटा है उसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ या फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हमारा ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी क्या है। अ मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर ज्योमेट्रिक सिमिलर इफ एंड ओनली इफ ऑल द बॉडी डायमेंशंस इन ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स हैव द सेम लीनियर स्केल रेशियो। मतलब लीनियर डायमेंशन के जितने भी रेशियोज़ हैं वो सब सिमिलर आने चाहिए, और वो रेशियो को हम बोलते हैं स्केल रेशियो। वो हम आगे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, पर ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी का मतलब ये है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई लेंथ ऑफ योर मॉडल इज इक्वल्स टू ब्रेथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई ब्रेथ ऑफ योर मॉडल इक्वल्स टू सम स्केल रेशियो। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पर जितने भी लीनियर डायमेंशन है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप और लेंथ ऑफ मॉडल सेम होना चाहिए। बाकी बहुत सारे लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जो हमारा मॉडल है उसका जो लेंथ है और जो हमारा प्रोटोटाइप है उसका लेंथ, वो दोनों सेम होना चाहिए। वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमने जो मॉडल बनाया उसका स्केल बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू योर प्रोटोटाइप, इसके लिए वो सिमिलर नहीं हो सकते। पर उन दोनों के बीच का रेशियो और बाकी के डायमेंशंस का रेशियो वो सेम होना ज़रूरी है, जिसका हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी। ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप, द मॉडल एंड प्रोटोटाइप शुड बी ऑफ द सेम शेप, मतलब शेप आपका सेम होना चाहिए। ऑल द लीनियर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल कैन बी रिलेटेड टू कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस ऑफ द प्रोटोटाइप बाय अ कॉन्स्टेंट स्केल फैक्टर। जैसा मैंने आपको बताया कि लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई लेंथ ऑफ मॉडल, उनका एक रेशियो आएगा जिसे आप बोलेंगे स्केल रेशियो या स्केल फैक्टर, वही सेम आना चाहिए फॉर ब्रेथ एंड फॉर डायमीटर एंड फॉर एनी अदर ज्योमेट्रिक डायमेंशन ऑफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप। ठीक है, ये हमारा मेन कंडीशन है ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी होने के लिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी एक्चुअली है क्या। तो द ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी इज सेट टू एग्जिस्ट बिटवीन द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप इफ द रेशियो ऑफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर डायमेंशंस इन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर रेशियो बोला गया है, ठीक है, डायमेंशंस को सेम हो सेम है वैसा नहीं बताया गया। ठीक है, LM को हमने रिप्रेजेंट किया एज लेंथ ऑफ मॉडल, BM को हमने रिप्रेजेंट किया है एज ब्रेथ ऑफ मॉडल, DM हमने रिप्रेजेंट किया है डायमीटर ऑफ मॉडल, AM हमने रिप्रेजेंट किया है एरिया ऑफ मॉडल, एंड ऑल फॉर M हमने यूज़ किया फॉर वॉल्यूम ऑफ मॉडल। यहाँ पे जो इन्वर्टेड A यूज़ किया है वो यूज़ किया है फॉर वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम और वेलोसिटी के अंदर V की वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके लिए वॉल्यूम को यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाई इन्वर्टेड A, विच इज़ कॉल्ड एज ऑल फॉर। ठीक है, इन द सेम वे जितने प्रोटोटाइप्स के हमारे पैरामीटर थे वो हमने रिप्रेजेंट किए LP फॉर लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, BP फॉर ब्रेथ ऑफ प्रोटोटाइप, DP फॉर डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप, AP फॉर एरिया ऑफ प्रोटोटाइप
एंड ऑल फॉर पी फॉर वॉल्यूम ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है, फॉर ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप वी मस्ट हैव द रिलेशन। अब ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी होने के लिए हमारे पास ये एक रिलेशन है जो हमेशा ऐसे अप्लाई होना चाहिए जैसे रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया है, जैसे एल पी अपॉन एल एम इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी एम इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी एम विच इज इक्वल्स टू एल आर। मतलब लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई लेंथ ऑफ मॉडल शुड बी इक्वल टू योर ब्रेथ ऑफ मॉडल, ब्रेथ ऑफ प्रोटोटाइप सॉरी, डिवाइड बाई ब्रेथ ऑफ मॉडल इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ मॉडल विच इज इक्वल्स टू योर स्केल रेशियो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका एल आर है, मतलब इन तीनों के बीच में रेशियो सेम होने चाहिए, उनके जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल डायमेंशन है वो सेम होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर ये सारे रेशियो सिमिलर है तो आप बोल सकते हैं कि आपका मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों ज्योमेट्रिक सिमिलर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेयर एल आर इज़ द स्केल रेशियो, इन द सेम वे अगर आपके ये सारे कंडीशंस फॉलो हो रहा है इन केस ऑफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप, तो आप बोल सकते हैं फॉर एरिया रेशियो एंड वॉल्यूम रेशियो द रिलेशन शुड बी एज गिवन बिलो, दैट इज़ योर एरिया ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय मॉडल ऑफ एरिया ऑफ मॉडल जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एल पी इंटू बी पी जो आपका लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप है इंटू ब्रेथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई एल एम इंटू बी एम विच इज़ योर लेंथ ऑफ मॉडल एंड ब्रेथ ऑफ मॉडल, ठीक है। इसे हमने एरिया के लिए रिप्रेजेंट किया है। अब जैसा हमने ऊपर देखा था कि लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई लेंथ ऑफ मॉडल क्या है, आपका एल आर है, तो यहाँ पे एल आर आ गया। इन द सेम वे ब्रेथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई ब्रेथ ऑफ मॉडल आपका एल आर है यहाँ पे, तो एक और एल आर आ गया, जिससे आपको क्या मिल गया कि एरिया ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई एरिया ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू एल आर स्क्वायर, ठीक है। इन द सेम वे आप वॉल्यूम के लिए भी कर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मॉडल को रिप्रेजेंट मैं कैसे कर सकता हूँ, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप रेस टू थ्री डिवाइड बाई लेंथ ऑफ मॉडल रेस टू थ्री इज इक्वल्स टू ब्रेथ ऑफ प्रोटोटाइप रेस टू थ्री डिवाइड बाई ब्रेथ ऑफ मॉडल रेस टू थ्री इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप रेस टू थ्री डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ मॉडल रेस टू थ्री, जो आपका होगा एल आर रेस टू थ्री हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एल आर एस टू थ्री, ठीक है। थैंक यू।